हेलो दोस्तों, मैं हूं सुब्रतो चौहान और आप देख रहे हैं फिश इन्फो चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिरिकल मछली या नैनी मछली का ब्रीडिंग प्रोसेस के बारे में। और जो मैं ब्रीडिंग प्रोसेस दिखाऊंगा वो है नेचुरल ब्रीडिंग प्रोसेस। दोस्तों, हम लोग जानते हैं ब्रीडिंग दो तरह से किया जाता है, एक है नेचुरल ब्रीडिंग, दूसरा है स्ट्रिपिंग ब्रीडिंग। नेचुरल ब्रीडिंग में क्या होता है, मछली को हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं, फिर मछली को मेल और फीमेल दोनों मछली को इंजेक्शन लगाते हैं, लगाकर टैंक में छोड़ देते हैं। तो ये मछलियाँ क्या करती है, खुद ब खुद अंडा देती है यानी ब्रीड करती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मछलियाँ ब्रीडिंग कर रही है और काफ़ी सारा अंडा जो है वो टैंक में दिख रहा है। और इसी तरह से जो ब्रीडिंग कराया जाता है इसी को नेचुरल ब्रीडिंग बोला जाता है। और दूसरा जो टेक्निक है वो है स्ट्रिपिंग ब्रीडिंग। स्ट्रिपिंग टेक्निक में क्या होता है, मछली का पेट में दबाकर अंडा निकाला जाता है। जब मछली को इंजेक्शन किया जाता है तो मछलियाँ क्या करती है, जो अंडा देने का समय आता है तो एक दो अंडा छोड़ने लगती है, तभी मछली को पकड़ा जाता है, फिर उसको पेट में हल्का दबाने से अंडा बाहर की तरफ निकल जाती है। इसके बाद थोड़ा सा मेल का स्पर्म भी इसमें मिलाया जाता है जिससे अंडा फर्टिलाइज हो जाए। और ये सारा प्रोसेस करने के बाद थोड़ा सा क्लीन करना होता है, वॉश करना होता है, इसके बाद जार में दे दिया जाता है और इसी को स्ट्रिपिंग तकनीक बोला जाता है। और स्ट्रिपिंग के बारे में काफ़ी सारा मैंने वीडियो बना चुका हूँ, तो आज मैं जो प्रोसेस दिखाऊंगा वो है मिरिक मछली यानी नैनी मछली का नेचुरल ब्रीडिंग। किस तरह से इस मछली को नेचुरली ब्रीड कराया जाता है और बहुत ही आसान है। इस मछली को ब्रीड कराने के लिए सबसे पहला काम होता है मछली का सिलेक्शन करना। तो इसके लिए तालाब में जाके अच्छे क्वालिटी का, जो जिस तरह का मछली में पेट में अंडा है, जो अंडा दे सकती है, वो अच्छा क्वालिटी का मेल और फीमेल दोनों मछली को चयन करना होता है। उसका रेशियो भी 1:1 का ही होता है। मछली उठाने के बाद हमें इसको इंजेक्शन देना होता है। हार्मोन इंजेक्शन देने के 12 घंटा बाद मछलियाँ ब्रीड करती है। तो हार्मोन इंजेक्शन देने के लिए दो तरह का हार्मोन मार्केट में अवेलेबल होता है, एक है सिंथेटिक हार्मोन जो कंपनियाँ बनाती है और दूसरा है पीजी जो कि मछली का सर से ही निकाला जाता है, फिर उसको सुखा देने के बाद ये बन जाता है। तो दोनों तरह का मेडिसिन से ही इस मछली को ब्रीडिंग कराया जाता है। जो जो किसान जिस तरह का मेडिसिन से सेटिस्फाई होते हैं वो उस तरह का मेडिसिन का ही इस्तेमाल करते हैं। ये सारा चीज़ हो जाने के बाद हमें मछली का बॉडी में इस मेडिसिन का इंजेक्ट करना होता है। इसके लिए दो डोज का ज़रूरत होता है, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज। फर्स्ट डोज के टाइम सिर्फ फीमेल मछली को इंजेक्शन दे के छोड़ दिया जाता है टैंक में, फिर सेकेंड डोज के टाइम फीमेल और मेल दोनों मछली को इंजेक्शन देने का ज़रूरत पड़ता है। तो फर्स्ट डोज में पहला काम जो होता है, फीमेल मछली को इंजेक्शन देकर टैंक में छोड़ा जाता है 6 घंटा के लिए। 6 घंटे बाद ये मछली को उठाया जाता है, फिर सेकेंड डोज दिया जाता है। सेकेंड डोज देने के और 6 घंटा बाद ये मछलियाँ ब्रीड करती है। फर्स्ट डोज के टाइम सिर्फ फीमेल मछली को डोज दिया जाता है, मेल मछली को डोज देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। सेकेंड डोज के टाइम मेल और फीमेल मछली को डोज दिया जाता है। और डोज देने के दौरान ये दोनों मछली को अलग अलग टैंकों में रखा जाता है, फीमेल मछली का अलग टैंक और मेल मछली का अलग टैंक। जब हम नेचुरल ब्रीडिंग कराते हैं तो सेकेंड डोज देने के बाद दोनों मछली को एक ही टैंक में छोड़ देते हैं, इससे दोनों मछलियाँ एक ही टैंक में रहती है और ब्रीड करती है। फर्स्ट डोज देने का 6 घंटा बाद अगर मैं सेकेंड डोज दूँ तो सेकेंड डोज का और 6 घंटा बाद ये मछलियाँ अंडा देती है। टोटल अगर हिसाब कर दिया जाए तो लगभग आपको 12 घंटा का समय लग जाता है। 10 से 12 घंटे के बीच ये मछलियाँ नेचुरली ब्रीड करती है। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, इस मछली को 2 डोज देने का ज़रूरत होता है, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज। कई बार क्या होता है, ये मछलियाँ इतना रेडी रहती है, कई बार एक डोज देने से ही ये मछलियाँ अंडा छोड़ देती है, सेकेंड डोज देने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। ये जब होता है फुल सीजन रहता है, जब मछली का पेट में अंडा एकदम तैयार रहता है, रेडी रहता है, तो कई बार सर्कुलेशन के बाद 3-4 घंटा सर्कुलेशन करने के बाद ही देखा जाता है जो मछलियाँ अंडा देने के लिए तैयार हो चुकी है और एक डोज देने के बाद यह मछलियाँ अंडा छोड़ रही है। ऐसी हाल में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डोज में ही मेल मछली को डोज दे देते हैं और फीमेल को भी डोज देकर अलग अलग टैंक में रख देते हैं। जब देखते हैं मछलियाँ एक दो अंडा दे रही है, अगर नेचुरल ब्रीडिंग कराना चाहे तो सब मेल को उसी टैंक में डाल देते हैं, अगर स्ट्रिपिंग करना होता है तो मछली को पकड़ के पेट में दबा के अंडा निकाल लेते हैं।
नेचुरल ब्रीडिंग कराना सबसे आसान है, इसमें झंझट भी कम है और स्टिफिंग करने का ज़रूरत नहीं। स्टिफिंग में जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत उठाना पड़ता है, पेट में दबाओ, मेल दबाओ, मेल निकालो, अंडा को वॉश करो, क्लीन करो, बहुत झंझट उठाना पड़ता है। तो गाइस उतना झंझट उठाने का ज़रूरत नहीं पड़ता, इसीलिए नेचुरल ब्रीडिंग सबसे बेस्ट होता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे मछली के इंजेक्शन लगा रहा हूँ और इसका पॉइंट जो है आप देख रहे हैं पंख के नीचे, यानी जो पंख है उसके नीचे जो नरम मांस रहता है उसमें इंजेक्शन लगाने से बहुत जल्दी मछली का बॉडी में असर करता है। कई पॉइंट भी होता है मछली का बॉडी में इंजेक्शन देने के, 4-5 पॉइंट भी है। इसके पहले भी काफ़ी सारा वीडियो में मैं उस पॉइंट के बारे में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं ज़्यादातर मामलों में पंख के नीचे ही देता हूँ और ये सबसे आसान भी तरीका है। और इंजेक्शन देने के टाइम कभी भी ये गलती नहीं करना है कि पूरा सुई जो है मछली का बॉडी में घुसा दे, तो इससे मछली का जो हार्ड है वो नज़दीकी रहता है, हार्ड में लगने के बाद मछली का जो है स्ट्रोक हो जाता है, तो मछलियाँ तुरंत ही मर सकती है। तो सुई को देने का भी बहुत ही कम मात्रा में देना होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मैं बहुत ज़्यादा इंजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही कम मात्रा में इंजेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा बहुत घुसाता हूँ अंदर सिर्फ मेडिसिन चला जाए। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। और सारा प्रोसेस होने के बाद क्या किया जाता है, मेल और फीमेल दोनों मछली को एक ही टैंक में छोड़ दिया जाता है। इसके बाद मछलियाँ खुद ब खुद अंडा देना स्टार्ट कर देती है, इसमें झंझट का ज़रूरत ही नहीं होता है। और ये जो टैंक देख रहे हैं इसको सर्कुलर बोला जाता है, और इस सर्कुलर के चारों तरफ से पानी छोड़ा जाता है जिसमें से पानी गोल गोल घूमता रहता है और अंडा जो है घूमता रहता है। घूमते घूमते इसके बीच जो है एक होल है, इस होल से होता हुआ एक कलेक्शन टैंक में चला जाता है और वहीं से हम लोग अंडे को कलेक्शन करते हैं और इसके बाद जार में डालना होता है। और वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से उसको उठाया जाता है। और आप यहाँ पर देख ही रहे हैं मछलियाँ किस तरह से नेचुरली ब्रीड करती है, एक दूसरे को भगा रही है। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों मछलियाँ है, वो खुद ब खुद अंडा दे रही है और अंडा जो है चला जाएगा एक कलेक्शन टैंक में जो बगल में ही रहता है, और बीचों बीच एक होल है जिससे पाइप है उससे होता हुआ अंडा जो है बाहर की तरफ आ जाती है। और ये इसमें एक हप्पा लगा हुआ और होता है जिससे अंडा बाहर की तरफ ना चली जाए, और हप्पा के बीचों बीच एक छेद रहता है जिसमें पाइप लगा देते हैं हम लोग, और उस पाइप से होता हुआ अंडा आता रहता है। और इसके बाद ये अंडे को पानी के साथ ही उठाया जाता है जिससे ये अंडा फट ना जाए, बहुत ही सूखा भी नहीं किया जाता है, अगर कोई सूखा कर दे तो अंडा फट जाएगा, फिर अंडा में बच्चा होने से पहले ही ये अंडा जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसीलिए इस काम को बहुत ही सावधानी से करना होता है, बहुत ही ध्यान से करना होता है जिससे ये इस तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए। ये सारा प्रोसेस हो जाने के बाद इसको जार में देना होता है जिसे हम लोग फानेल के नाम से भी जानते हैं। और इसको इसमें देने के लगभग 24 घंटा बाद इसमें से बच्चा होकर निकल जाता है, और 24 घंटा धीरे धीरे घूमता रहता है, इसके बाद ही बच्चा होकर निकल जाता है, जो कि बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। काफ़ी सारा वीडियो मैं इसके ऊपर भी बना चुका हूँ, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। फिश ब्रीडिंग का अलग अलग टेक्निक जानने के लिए आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिसमें फिश ब्रीडिंग का एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, काफ़ी सारा वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो गाइस यही था नैनी या मिर्गेल मछली का नेचुरल ब्रीडिंग प्रोसेस जो कि मैंने यहाँ पर बताया। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।